अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। मुबारक हो आपको, आपने अपना नाम .com रजिस्टर कर लिया, अपना डोमेन रजिस्टर कर लिया माशाल्लाह। अगर आपने नहीं किया या आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चंद वीडियो बीच में डली, आज़ाद चाय वाला रजिस्टर डोमेन 3-4 लफ्ज़ डाली गूगल में, आपको पता चल जाएगा कि आप खुद का अपना नाम .com कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उस दिन मैंने क्या किया था, मैंने wajidrahman.com रजिस्टर किया था आपको मिसाल देने के लिए। अब हमने इसका इस्तेमाल क्या करना है, डोमेन तो हमने रजिस्टर कर लिया, अब इसके पीछे वेबसाइट कैसे बनेगी। ये ईमेल्स जो मैंने कहा था उस दिन कि यार आप asad@asadshah.com लगा सकते हैं अपना, जो भी आपका नाम है imran@imranhan.com, ये कैसे लगाएंगे, मैं भी आपको फटाफट दिखाने वाला हूँ एक चीट जिसे हम बोलेंगे। वैसे तो आपको पीछे वेबसाइट चाहिए, वेबसाइट के लिए डोमेन्स चाहिए, डोमेन से पहले आपको DNS को सेटअप करना पता होना चाहिए, और वो लंबा वीडियो है, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ 5 मिनट की मार है और चंद घंटे में आपका काम हो जाना है। हम क्या करेंगे, अव्वल हमारे पास डोमेन तो आ गया, हम उस डोमेन को अपनी सोशल प्रोफाइल पे या किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पे हम चाहते हैं फॉरवर्ड कर देंगे। अगर आपका यूट्यूब चैनल है वहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे, अगर आपका फेसबुक चैनल है वहाँ पे, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह एक वो करेंगे। और ईमेल जो हमारा है, अगर हमने फर्ज करिए asad@asadshah.com बनाना है तो वो भी अगेन 5 मिनट की मार है। उसमें एक नुकसान है कि हम फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, यानी कोई बंदा भेजेगा asad@asadshah ईमेल, वो आप बताएंगे कि जी फलां जी बॉक्स में फलां जीमेल में फलां याहू वाले एड्रेस पे आप उस ईमेल को पहुंचा दो, आप जवाब नहीं दे पाएंगे उससे। लेकिन वो वाला वीडियो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि पूरे का पूरा हमने इसको प्रोफेशनल कैसे बनाना है। एनीवे मेरी स्क्रीन पे आइए जल्दी से, मैं आपको दिखा दूँ, एंड कम से कम ये तो हम चालू करें इंशाल्लाह, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका हौसला बढ़ेगा ना। अभी तो हम डोमेन के मालिक हुए हैं भैया, अभी इसके बाद हमने वेबसाइट का भी मालिक होना है वगैरह वगैरह, लेकिन कम से कम इससे शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मिलियनेयर इससे शुरू करते हैं, domain.pk से आप आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे वाजिद रहमान रजिस्टर किया था। यहाँ पे क्लाइंट लॉगिन में दबा के आप लॉगिन शॉगिन करके यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे यहाँ पे लिखा होगा आपके डोमेन्स कितने, इनके साथ मेरे हैं 4 राइट नाउ। आप इसको क्लिक करें, इस सफ़े पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब आपने यहाँ पे आना है जहाँ पे मैनेज डोमेन लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं वाजिद रहमान लिखा हुआ है। ये ड्रॉप डाउन को क्लिक करें तो यहाँ पे आएगा मैनेज डोमेन, क्लिक कर दें। अब जब इस सफ़े पे आएंगे आपने पहले जाना है नेम सर्वर्स में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नेम सर्वर्स लिखे हुए हैं, डिलीट करते हैं एक को दो को। अच्छा, ये मैं डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये डोमेन ख़रीदा था तो यहाँ पे सिर्फ 2 लगे हुए थे, बाकी मुझे सपोर्ट से बात करके 4 लगवाने पड़े थे। अब यकीनन आपके 4 ही होंगे, बस उस वक्त नहीं थे, तो अगर 4 नहीं है तो आप देख लें DNS 51, 52, 53, आपने 53, 54 लगाना है, ठीक है। बाकी hndservice.net पहले से लगा होगा, बाकी hndservice पहले से यहाँ से आप ऐसे कॉपी करके यहाँ पे लगा दें और इसको 53 कर दें और यहाँ पे इसको 54 कर दें। अगर पहले से नहीं हुआ, पहले से हुआ तो कोई मसला नहीं है, अगर नहीं है तो आपने ये डाल के फिर चेंज नेम सर्विस डाल देना है। जब भी कर दिया फिर आप आएंगे मैनेजमेंट टूल्स पे, यहाँ पे क्लिक किया मैनेज DNS पे आपने क्लिक करना है। अब इस पेज पे आए हैं तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं वाजिद रहमान है, ये जितना भी अगर आपका लिखा हुआ है ना आपने इसको इग्नोर करना है बिल्कुल, इसका कुछ ना सोचिए, आपको फ़िलहाल समझ नहीं लगेगी, छोटा है कम लिखा हुआ है ज़्यादा लिखा हुआ है, तो मुझे ये पता कि ये वाली चीज़ें जो है ना ये मैंने हुड डाली हैं, ये उन्होंने डाली थी, हमें जो गर्ज़ है इससे है ये वाली से, ठीक है। ये मैंने खुद डाली है, आपको बता दूं कैसे आपने डालना है, आपको नीचे खाली हाना मिलेगा, पहले हाने में आपने ये ऐड सिंबल डालना है जो ईमेल में डाला जाता है, दूसरे वाले में आपने आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, आपने URL फ्रेम नहीं URL रीडायरेक्ट क्लिक करना है, यहाँ पर आपने वो पता डालना है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका जो डोमेन है, मेरा फ़र्ज़ करिए वाजिद रहमान है, वो chaiwala.com पे जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी चाय वाला डाल देना है, जब आपने डाल दिया फिर आपने सेव चेंजेस दबाना है, इसके दबाने से क्या होगा आपका भी जो क्या कहते हैं आपका भी रीडायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है, जिस तरह मेरा यहाँ पे लग गया। बाकी सब चीज़ों को आप मैंने कहा फ़िलहाल इग्नोर करिए, अब आप ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पे ऊपर जाके wajidrahman.com लिखना है, थोड़ी देर लगेगी, ठीक है, मैंने क्योंकि पहले से किया हुआ आपको डेमो देने के लिए, आप दबा दीजिए, देखें वाजिद रहमान chaiwala.com पे चला गया, ठीक है।
आपको घंटे 2-3-4 लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि DNS कितनी देर में अपडेट होती है। मैक्सिमम 24 घंटे लगेंगे, मेरा तकरीबन 4 घंटे में हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब ये आपकी फेसबुक की प्रोफाइल हो सकती है, यूट्यूब की प्रोफाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने यही चीज़ आपको enom.com पे दिखा देता हूँ, ताकि अगर किसी ने किसी और सर्विस पे रजिस्टर किया तो वो भी कर ले। मैंने जो डोमेन चुना है funnyindia.com, आप यहाँ पे जाएं। हर जो रजिस्ट्रार होगा उसका सिस्टम तकरीबन सेम है। ठीक है, DNS सर्विस सेटिंग्स पे जाएं, पहले देख लें कि DNS किसकी है। आवर सर्वर्स यानी इनकी, हाँ ठीक है, कस्टम होती तो खुद की डालनी पड़ती, उनकी है तो ठीक है, बेहतरीन है। अब आप जाएं होस्ट रिकॉर्ड्स में, होस्ट रिकॉर्ड्स में ये फ़िलहाल रीडायरेक्ट हो रहा है अपना एक्चुअल इस सफ़े पे। सो अभी अगर आप टाइप करेंगे फनी इंडिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेल्स पेज है जी, बेचने का, लेकिन वो तो क्योंकि होस्ट हो रहा है बकायदा सर्वर पे, लिहाजा ये सारे मैं डिलीट करूँगा और सिर्फ इस पर एक रीडायरेक्ट लगाएंगे। तो हमने पहले क्या करना है, सबको डिलीट करना है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गए, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एक डालना है, इसको हम डाल देते हैं URL redirect, इसको भी URL redirect और इसको भी URL redirect। और क्योंकि ये डोमेन फनी इंडिया है, मुझे पता कहाँ पे भेजना है मुझे, एक सेकंड दीजिए। YouTube पे चलते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं नादर भाई की वेबसाइट, नादर भाई का सॉरी चैनल, पकाओ। ठीक है, पकाओ को पकड़ते हैं, ऐसे जाते हैं अंदर और ये पकड़ लेते हैं हम। अब यहाँ पे डालते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर नीचे पेस्ट करते हैं, फिर उससे नीचे पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू सेव, सेव हो गया। अब अगर हम ऊपर लिखेंगे, अभी मैंने कहा ना घंटा लग सकता है, 2 लग सकते हैं, 5-10 लग सकते हैं। नया ब्राउज़र खोलते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं फनी, फिर ऊपर लिखा गया, तो ये हमें लेके जा रहा है उसी सेल्स पेज पे लेके जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर अभी तो 1-2 सेकंड हुए हमें चेंज किए हुए, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद आपको फिर से करके दिखाता हूँ और इंशाल्लाह ये नादर भाई की वेबसाइट पे पेज पे चला जाएगा। वो आपका पेज हो सकता है, आपका यूट्यूब हो सकता है, आपका फेसबुक हो सकता है, यानी ये शुरू से गुजारा करने के लिए बेहतरीन है। इतने में मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो ईमेल है हमने कैसे चेंज करना है। ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे इनटू ईमेल सेटिंग्स सर्विस, जी हमें ईमेल फॉरवर्डिंग करनी है, और यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ पे ये तारा जो लगा है ना, तारे का मतलब है कि हर चीज़ जो आप खुद ब खुद डाल दोगे इसमें। अब यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करिए ये भेज देता हूँ जी admin@chaiwala.com। ठीक है, जो भी इसके हम भेजेंगे, इसके आगे हम डाल दें nadir@funnyindia.com, jokes@funnyindia.com, sales@funnyindia.com, जो भी हम डालेंगे वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहते तो हम अपनी मर्ज़ी का डाल दें, इसमें सेल्स डाल दें, इसके ऊपर हम जोक्स डाल दें, हम फ़र्ज़ कीजिए इसका कोई मालिक होगा, अली इसका मालिक है, तो ali@funnyindia डाल दें, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कहाँ पर चला जाएगा, इस वेबसाइट पर चला, यानी इस पे चला जाएगा, इस ईमेल पे चला जाएगा। और आप अगर आपका ईमेल हो सकता है anything यार nadir123@gmail.com, ठीक है, ali@funnyindia यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास एक्सेस है admin@chaiwala का, मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ इसका इंशाल्लाह। तो इन दोनों को इनेबल करते हैं, एक को इनेबल करते हैं। ठीक है, अली हम क्या डालते हैं यार, यहाँ पे डालते हैं सेल्स। ठीक है, क्योंकि सेल्स आप शायद इस्तेमाल करो, तो इसको सेव कर दें। ठीक है, बेहतरीन, अब sales@funnyindia इस पे चला जाएगा। अगर हम दूसरी साइट पे जाते हैं, वो जो domain.pk थी, यहाँ पे तो हमें जाना पड़ेगा बैक,
हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैनेज ईमेल फॉरवर्ड्स, यहाँ पे हम डाल देंगे वाजिद और ये हो जाएगा wajid@wajidrahman.com। और यहाँ पे अगर हम भेजना चाहें तो हम एडमिन अच्छा वाला, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम वाजिद लिख देते हैं, और फिर हमने सेव चेंजेस दबा देना है। ठीक है, तो वापस यहाँ पे आते हैं, ये हमने कर दिया, इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा ना अभी DNS को चेंज होते वक्त लगेगा, लेकिन टेस्ट कर लेते हैं फिर भी। अच्छा मिलिए, यहाँ पे हम लिखते हैं sales@funnyindia.com, यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्टिंग ईमेल कैसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो, और हम कहते हैं जी भेज दो, ये जी चला गया, ये देखें कहता है कि आ भी गया। ठीक है, कहाँ पे admin@chaiwala.com received one new message, टेस्टिंग ईमेल, किन से, हम ही हैं कोई। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये ईमेल आया हुआ है, इसको अगर हम खोलें तो ले जी हेलो, भेजा हमने कहाँ से था, अपने ज़ाती ईमेल से, जो अभी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन sales@funnyindia.com को भेजा था जी, पहुँचाया है। तो ये तो चंद सेकंड ही लगे हैं इसको, यानी मिनट एक दो हुआ है, एंड इट वर्क्स। इस तरह आप किसी को भी कह सकते हैं जी आओ जी हमें ईमेल भेजना है जी asad@asadshah.com या चलो sales@funnyindia.com, ये जो मर्ज़ी आपने कहना है, ये आसान तरीका है। लेकिन जब आप वापस जवाब देंगे तो इससे नहीं जाएगा, वो आपको आपके जो ज़ाती जीमेल है या हॉटमेल है उसी से जाएगा। अगले इंशाल्लाह एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप वापस किस तरह भेज सकते हैं अटरली इंतहा प्रोफेशनल लगने के लिए। अच्छा मिलियनेयर, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, फनी इंडिया पे फिर हम वापस आए हैं, एंड एंटर दबाया, लो जी नादर भाई की जो वेबसाइट है चैनल है उस पर हम आ गए, एंड ये आपका हो सकता है, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं कि मिट गया, इसको बंद करो, बड़े मज़े का प्रैंक बाय द वे, मैंने अभी दोहराने 20 मिनट में ना देखा है। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़नी इंडिया नहीं लिखा हुआ, अगर URL फ्रेमिंग ऑप्शन आपने उठाया होता तो यहाँ पे फ़नी इंडिया लिखा होता, ये नीचे ना दिखाई दे रहा होता, क्योंकि हमने फॉरवर्डिंग किया, हमने वहाँ से यहाँ भेज दिया, बस दी एंड। आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपने ऑप्शन चूज़ करना है। गुड लक टू यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद, लव यू ऑल, एंड बस लगे रहो मिलियनेयर, क्योंकि इसी तरह आपकी ज़िंदगी बदलेगी इंशाल्लाह, एक कदम हर रोज़। अस्सलाम वालेकुम।